हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विशाखा, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट मैगी फ्राइड राइस। इंस्टेंट मैगी मैंने क्यों कहा, जैसे ही वीडियो आगे बढ़ेगा वो मैं आपको बताऊंगी। इसे आप वन पॉट मील भी कह सकते हो और ये बच्चों के तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, तो आसानी से जल्दी आप घर पर बना सकते हैं। बनाना शुरू करते हैं इंस्टेंट मैगी फ्राइड राइस। पहले यहाँ पे हम मैगी बॉईल करने के लिए इस तरह से एक बर्तन में पानी डालेंगे, उसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। पानी में जैसे ही बॉईल आ जाएगा, हम यहाँ पे दो मैगी के पैकेट यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से मैंने ये तोड़ के रखे हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। बॉयल पानी किया हुआ है तो 2 से 3 मिनट में ही हम इसे निकाल देंगे। एकदम ज़्यादा भी अगर सॉफ्ट हो गई मैगी तो वो अच्छी नहीं लगती है। ये देखिए, 2 से 3 मिनट बाद आप देखोगे ये अच्छे से बॉयल हो चुकी है। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं बॉयल करना है। यहाँ हम स्ट्रेनर लेंगे और इसे पूरी तरह से छान लेंगे। और ऊपर से हम ठंडा पानी डाल देंगे जिससे पूरा अंदर से गर्म जो पानी का है वो निकल जाए अच्छे से, और ज़्यादा ये सॉफ्ट नहीं हो, नहीं तो अंदर जो है वो सॉफ्ट होती जाती है और भी गर्म में। और ऊपर से 1 चम्मच हम तेल डाल देंगे जैसे ये मैगी आपस में चिपके नहीं, अच्छी तरह से खिली खिली रहे। और इसे मिला देंगे हम, ये देखिए इस तरह से फिर ये मैगी जो है खिली खिली रहे। मैगी फ्राइड राइस का मसाला तैयार करने के लिए हमने कढ़ाई में डाला है 2 से 3 चम्मच तेल। तेल जैसे ही हल्का गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे ये 2 मैंने बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं वो डाल देंगे। आप चाहो तो स्प्रिंग अनियंस यूज़ कर सकते हो इधर। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ली हैं जैसे कि बीन्स लिए हैं 2 से 3 चम्मच। उसके बाद एक गाजर लिया जिसको इस तरह से क्यूब्स में कट किया हुआ है, और ग्रीन पीस। आपको कोई और सब्जी ऐड करनी है कर सकते हैं यहाँ पर। एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब सब्जियाँ। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। एक बार मिक्स करेंगे, याद रखना है हम जो राइस बॉईल करेंगे उसमें भी नमक डाला हुआ है, तो नमक जो है ये सब्जियों के हिसाब से ही डालना है। इसको हम 2 से 3 मिनट सिर्फ ढक के हल्का सा जो ग्रीन पीस है वो सॉफ्ट हो जाए उतना ही हमें इसे पकाना है। ज़्यादा सब्जियां हमें एकदम गलानी नहीं है, इसमें थोड़ी क्रंचीनेस रहनी चाहिए सब्जियों में। सब सब्जियां सी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अभी हम यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच सेजवान चटनी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मैगी फ्राइड राइस में। 1 टीस्पून डालेंगे डार्क सोया सॉस, 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबल स्पून डालेंगे रेड चिली सॉस। यहाँ पे सॉसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, जिस तरह से आपको स्पाइस पसंद है। और ये हमने डाला है 2 सैशे मैगी मसाला का। ये सब मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसमें अजीनोमोटो जिसे चाइनीज नमक कहते हैं वो यूज़ नहीं करने वाले हैं। अभी हम इसमें डालेंगे मैगी जो हमने बॉयल करके रखी थी। ये देखिए कैसे अलग अलग एक एक आपको लेयर दिख रहा है मैगी का। नॉर्मली आप चाइनीज में कॉम्बिनेशन फ्राइड राइस मंगाते हैं उसमें नूडल्स रहते हैं, ये हम घर पे मैगी से इस तरह से बना सकते हैं। और इससे मिक्स कर देंगे सब मैगी के साथ मसाले। और इससे मैंने इंस्टेंट इसीलिए कहा था, जो भी आपके बचे हुए अगर चावल रहते हैं रात के तो ये आप इस तरह से मैगी मसाला बनाकर और राइस डाल सकते हो।
ये देखिए यहाँ पे मेरे ये राइस बच चुके थे रात के, कैसे अलग अलग दाना खिला खिला है। तो इसको हम इस तरह से मैगी में डालकर इंस्टेंट मैगी फ्राइड राइस बना सकते हैं। और अच्छे से मिक्स कर लीजिए तो ये आपके मैगी फ्राइड राइस तैयार हो जाएंगे। और अगर आपको वन पॉट मील बहुत ही पसंद है तो इस तरह से आप एक साइड मैगी का मसाला तैयार कीजिए इस तरह से, और एक तरफ से आप राइस बॉयल कीजिए। तो आप ऐसे वन पॉट मील फैमिली के लिए बना सकते हो मैगी फ्राइड राइस। इसके साथ किसी ग्रेवी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ऐसे ही खाने में। ये घर में अचानक गेस्ट आ जाते हैं, कुछ सब्ज़ी नहीं है, तो इस तरह से आप ये मैगी फ्राइड राइस बना कर उन्हें अच्छी तरह से सर्व कर सकते हो। बच्चों का कोई भी छोटा मोटा फंक्शन है, पार्टी है, तो उनके लिए इस तरह से बना सकते हैं। बच्चों की तो मैगी ये मनपसंद रहती है, तो इस तरह से मैगी फ्राइड राइस आप इजीली बना सकते हो घर पे। ये देखिए किस तरह से एक एक दाना खिला हुआ है और मैगी का लेयर भी एक एक अलग दिख रहा है हमें। सब एक बार अच्छी तरह से इस तरह मिक्स करके हमें सिर्फ 5 मिनट धीमी आंच पर रख देना है इन्हें, जैसे सब सॉसेस एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए राइस के साथ। तो ये बचे हुए चावलों से भी हम इस तरह से मैगी फ्राइड राइस बना सकते हैं, इसीलिए मैंने इसे नाम दिया था इंस्टेंट फ्राइड राइस। 5 मिनट आप इसे ढक के रखिए और उसके बाद आपके ये इंस्टेंट मैगी फ्राइड राइस तैयार है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करके देखिए और कमेंट करके हमें बताइएगा आपको ये कैसी लगी। पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाइए जैसे न्यू वीडियोज़ आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।